आ गए आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने साथ शेयर करने वाली हूँ एक होममेड DIY जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में, आपके डार्क स्पॉट्स को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके लिए सिर्फ हमको 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। फर्स्ट जो है वो हमको लेना है राइस, सेकंड जो हमको लेना है ग्लीसरीन, और थर्ड जो हमको लेना है लेमन। लेमन को हमको पार्ट्स में डिवाइड करना है और दोनों को सोक करना है, और उसमें थोड़ी सी ग्लीसरीन मिला के हमको एक टोनर बनाना है। सबसे पहले बात करते हैं कि हम टोनर क्यों यूज़ करते हैं। टोनर हमें डेली के रूटीन में हम ज़रूर ही यूज़ करना चाहिए, कम से कम 2 बार हमको इसको बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। जो टोनर होता है वो हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में, हमारी स्किन को जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको मिटाने में, और जो टोनर होता है वो हमारी स्किन के में क्लियर बना देता है, और जो भी पॉल्यूशन होता है, जो भी डर्ट नेट्स होती हैं उसको रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। जो ये DIY है हमको घर पे इजीली बन जाएगा, 10 से 15 मिनट्स लगेंगे इसको बनाने में। जो राइस होता है वो आपकी स्किन को ब्राइटन बनाने में, या फिर आपकी स्किन का कलर लाइट करने में, आपके जो भी एक्ने प्रॉब्लम होती है, सनबर्न होती है, इसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें जो सेकंड इंग्रेडिएंट्स है वो लेमन। एक तो लेमन में क्या होता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आप टोनर बनाएंगे वो बहुत जल्दी ख़राब होने का डर रहेगा, तो अगर इसमें हम लेमन ऐड करते हैं तो आपका 10 से 15 डेज़ ये आराम से चल जाएगा। इसको आपको फ्रिज में स्टोर करके रखना है और इसको दिन में अप्लाई करना है। लेमन जो होता है वो भी आपके स्किन में जो भी डार्क स्पॉट्स हैं इसको रिमूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। 2-3 ड्रॉप्स हम इसमें ग्लिसरीन यूज़ करेंगे। इसको हाइड्रेट करने में, जो हमारी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो सकती है उसको हाइड्रेट करने में हम इसके अंदर ग्लिसरीन का यूज़ करेंगे। तो आपको इनको तीनों को मिक्स करना है और इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आपको ऐसा बाउल लेना है, ये चावल मैंने 2 टाइम्स वॉश किए हुए हैं। फिर उसके बाद आपको ये जो कटोरी है इसका हाफ आपको राइस लेना है, चावल लेना है। फिर इसी कटोरी का आपको 1.5 इसको भरकर इसमें पानी डालना है, मतलब इस कटोरी का 1.5 आपको इसके अंदर पानी डालना है और इसको 40 मिनट्स के लिए सोक करके रखना है। इसके बाद जो हमने लेमन है इसके मैंने स्लाइस करके पहले से रखे हुए थे, इसमें स्लाइस आपको डालने हैं। जो स्लाइस हैं ये आपको इसमें, जो राइस है इसमें वाटर है, इसमें आपको 40 मिनट्स के लिए इन दोनों चीज़ों को सोक करके रखना है। 40 मिनट्स तो मिनिमम आपको रखना ही है इसके अंदर। 40 मिनट्स के बाद आपके जो भी लेमन है इसको अच्छे से इसमें स्क्वीज़ कर लीजिए। जो भी लेमन है वो अच्छी तरह इसमें मिलाना है आपको, चाहे तो आप छान सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही इसको एक स्प्रे बॉटल जो आपके पास खाली पहले से पड़ी हो उस स्प्रे बॉटल में आपको इसको भरना है। ऐसी स्प्रे बॉटल है इसमें आपको भरना है, इसमें आपको 2-3 ड्रॉप्स या आपको जितनी चाहिए आप उसमें ग्लिसरीन मिला सकते हैं। मैंने 2 या 3 ड्रॉप्स इसमें ग्लिसरीन मिलाई है। इस ग्लिसरीन से क्या होगा, आपकी जो भी स्किन है वो थोड़ी सी हाइड्रेट रहेगी, इसमें मॉइस्चर बना रहेगा, इसलिए मैंने इसमें ग्लिसरीन मिलाई है। फिर आपको अच्छे से इसको शेक करना है और इसको अप्लाई करना है। हाँ, और जो भी आपके चावल जो बचे हुए हैं इसको आपको फेंकना नहीं है, इसको आपको छाना में सुखा के इसको आपको पीस के रख लेना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।